तो ये है पेपर सेट ए बी और इसकी आंसर की हम देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा, तो टच में बने रहना। शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता? तो ये है सीतापुर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न भी उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये है हमारा बलिया। अब देखिए एक और अच्छा सा सवाल है, ये कौन से वो नेता हैं जिन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। ये थे चंद्रशेखर, जिन्होंने 6 जनवरी 1983 को ये यात्रा शुरू की थी और जून 1983 में ये समाप्त हुई थी दिल्ली में आकर के। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडला आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो ये थे वीपी सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश में किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो ये फिरोजाबाद, जहाँ पे स्टूडियो का काम होता है। हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और पढ़ेंगे भी नहीं आगे, आप उसको पढ़ लेना, हम सीधे आंसर बता देंगे कम से कम पढ़ करके और बोल करके। 31 नंबर सवाल देखें, कौन सा नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न देखें, सारनाथ का पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? यह है बनारस या वाराणसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मौलाद का तो इससे कोई लिंक है नहीं, मेरठ का भी इससे कोई लिंक नहीं, लेकिन लखनऊ का इससे लिंक है, वहाँ पर चिकन का काम बहुत ज़्यादा होता है साड़ियों पे भी और बाकी कपड़ों पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस नाम से लिखा था? कौन थे ये? तुलसीदास जी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए एक और अच्छा सवाल है जो हिस्ट्री से है, 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने परास्त किया था? तो ये थे मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, अवध से पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अवध का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल थी, ऑप्शन ए सही है। आगे पूछा बाबर की आत्मकथा का नाम, तो ये है बाबरनामा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न ये देखिए कह रहा है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय वो कितने दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे? लगभग 13 दिन रहे थे, यानी कि 2 वीक 2 हफ्ते, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये थे जीवक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, जब भारत में पंचवर्षीय योजना जो अपनाई गई है ये किसने शुरू की थी बेसिकली रूस में, चूंकि हमने रूस से ली है, तो ये थे जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, चंदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, ऑप्शन डी करेक्ट है। फोर्टी सेवन नंबर क्या था, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है में से किस देश में स्थित है? वेनिस इटली में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए,
इटली से एक और सवाल है, देखिए माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है में से किस देश में स्थित है, तो ये इटली में स्थित है, ऑप्शन डी फिर से सही है। ये देखिए पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है, तो ये त्रिवेंद्रम जिसे कहा जाता है, केरला की राजधानी भी है, उसके पास में स्थित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण पश्चिम सॉरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो है ये पर्थ। अगला प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है, हेर फेर कर सकता है, किसको ये शक्ति प्राप्त है, तो ये भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को शक्ति प्राप्त है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भी हमारे ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चूँकि आर्टिकल 161 की बात है, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन से आर्टिकल की बात हो रही है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में से क्या है, किससे संबंधित है ये अनुच्छेद, तो ये भारतीय नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न महाराष्ट्र के राज्यपाल से संबंधित है, आप जानते हो कि सितंबर 1 को कुछ और नए राज्यपालों की नियुक्ति भारत सरकार ने की थी, तो उनमें महाराष्ट्र का राज्यपाल भी चेंज कर दिया गया है, वहाँ पर राज्यपाल हैं भरत सिंह कोश्यारी, लेकिन उससे पहले थे विद्यासागर राव, तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न के हिसाब से सही है। देखिए ये कहता है अनुच्छेद 300A निम्न से किसे किसकी गारंटी देता है, तो ये गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्न से किस पहलू से संबंधित हैं, तो ये भारतीय चुनाव से संबंधित है, यानी कि इलेक्शन कमीशन से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं चुनाव। नेक्स्ट इज भारत में जीएसटी की उच्चतम दर है 28%, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नतम दर है इसकी 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18, उसके बाद 28, ये 4 दरें हैं इसकी। अगला प्रश्न देखिए रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से संबंधित है ये प्रश्न, और बेजवाना विल्सन को जो भी पुरस्कार मिला था 2016 में, तो किस लिए मिला था ये पूछा गया है, तो ये मिला था मैनुअल स्केवेंजिंग, यानी कि हाथ से मैला साफ करने वाली जो प्रथा है उसके उन्मूलन के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत कब की थी, ये पूछा गया है, तो अक्टूबर 2014, 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार इन्होंने मन की बात प्रोग्राम की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए इस प्रश्न पूछा गया है दुनिया में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है जिसका जीडीपी दूसरे नंबर पर है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश, तो यह है चाइना, पहले स्थान पर होता है अमेरिका, यूएसए जिसे कहा जाता है, सॉरी चाइना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति अब्देल अजीज बूटफ्लिका ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया, कौन से देश के राष्ट्रपति थे, ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अब अगला प्रश्न कहता है क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ का नाम बताइए, तो ये है मनु साहनी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का नाम क्या है जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो ऑप्शन ए सही है, विनोद के दसारी। उद्योग जगत से ही खाम खा के सवाल आने लगे हैं जो कभी जीएस का पार्ट हुआ नहीं करते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन का चक्कर हुआ तब से जो है ये सवाल आने लगे। 64 नंबर सवाल कहता है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईसीसी क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर आने वाली क्रिकेट टीम का नाम क्या है, तो ये है न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आईपीएल 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया था, श्रेयस अय्यर, ऑप्शन सी आप सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था, तो हरियाणा में झज्जर नामक स्थान पर ये स्थापित किया गया, वहाँ पे
एम्स भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसी के कैंपस में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखें, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो यह है कर्नाटक, जो सबसे ज़्यादा सुपारी का उत्पादन करता है। ऑप्शन डी सही है आपका। अगला प्रश्न, उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का नाम क्या है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के लिए के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कमला पुजारी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखें, सिरसी सुपारी पहली एका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। सुपारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कर्नाटक में। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, प्रश्न पहले भी आया था, कर्नाटक में सुपारी से संबंधित सबसे बड़ा उत्पादक भी यही है सुपारी का। अगला प्रश्न 70 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये मिलेगा वृंदावन में, मथुरा के पास। ऑप्शन ए सही है। 71, बिहार राज्य के सासाराम में निम्नलिखित से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। ऑप्शन सी सही है आपका। अगला, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र कहाँ पर है? ये तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, इसका मतलब ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट, जिसका मालिक है बिल गेट्स। ऑप्शन सी सही है आपका। अगला प्रश्न, टॉम कुक के बारे में है, तो ये किसके CEO हैं? ये है एप्पल के, एप्पल जो मोबाइल फोन बनाता है। अच्छा, 75 नंबर सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्क के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये पहले भी आया है सवाल UP SSC में, लेकिन इसका आंसर हमें अभी आ नहीं रहा, हम इसको देख करके बताएंगे। आपको कहीं मिले तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। प्रश्न संख्या 76, निम्न से किस खनिज मिनरल की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया आप जानते हो ब्लड की कमी को कहा जाता है, और ये होता है बेसिकली लोहे की कमी से, कई और रीजन से भी हो सकता है, खून का कम बनना ही एनीमिया होती है बेसिकली, लेकिन इसमें मेन होता है आयरन या लोहा। अगला प्रश्न आप देखें, पृथ्वी पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका इनमें से कौन सा है? क्लोरिनेशन, क्लोरीन की गोलियां डालकर या किसी और ढंग से क्लोरीन डालकर के पानी को फिल्टर करने की कोशिश की जाती है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न कहता है, मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ये नदियाँ और ग्लेशियर होते हैं, मीठा पानी यहीं से मिलता है, बाकी सब सागर का पानी तो आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा खारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पे मछली का जो तेल है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, बाकी केले में विटामिन ए नहीं होता, नारियल के तेल में भी नहीं होता, और चीनी में भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 80 नंबर, ध्वनि निम्न से किस माध्यम से होकर नहीं चल सकती? तो ये होता है निर्वात, अगर निर्वात है तो वहाँ से साउंड वेव्स नहीं चल सकती, इसलिए हम निर्वात में या अंतरिक्ष में ऐसी जगह जहाँ पे निर्वात है वहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। 81 नंबर सवाल देखिए, माचिस की डिब्बी की तरह सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो आई गेस ये है रासायनिक ऊर्जा, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे इस पे श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं है कि ये सही आंसर है क्या। तो इसको अगर ये कहीं से मिलता है प्लीज़ बता ज़रूर देना, अदरवाइज हम इसको ढूंढ करके आपको फिर जब डिटेल में सोल्यूशन बनाएंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है? तो ये 2-3 सवाल हैं जो कि क्लैरिटी जिन पे नहीं है। 82 नंबर देखिए, माप इकाइयों के सीजस प्रणाली में से क्या परिभाषा है? तो C4 सेंटीमीटर, CGS का मतलब होता है C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम एंड S4 सेकेंड। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 नंबर, ये भी कुछ मुझे नहीं आ रहा, तो आप इस पर भी अगर कुछ क्लैरिटी किसी को है तो प्लीज़ ज़रूर बता देना, ये 3 सवाल हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगला 84 नंबर कहता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के में से कौन सा सही है? ये नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती, नहीं, ऑप्शन बी सही है, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, और इसी से बचने के लिए जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं जैसे कैक्टस, जिसे आप क्या कहते हैं, घी कुआर भी कहते हैं,
ठीक है, तो वो अपने पत्ते बहुत कम कर लेता है और अपने पत्तों को कांटों में बदल देता है ताकि सतह का सरफेस बहुत कम हो जाए, और उसको अभी वो एक मोटी लेयर से ढक लेता है ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में से किसका एक उत्पाद है? तो ये कैल्शियम का बना होता है, CaSO4 इसका फॉर्मूला होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, फॉर्मूला होता है इसका CaSO4। ओके, बाकी डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे इन सब के बारे में। प्राकृतिक रबर के बारे में से कौन सा कथन सही है? एक प्राकृतिक बहुलक है और उसमें लोचदार गुण होते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो ये है चूना पत्थर, CaCO3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न कहता है, O2 या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्न में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो आप जानते हो कि सरकार आयोडीन युक्त नमक ही परमिट करती है, बेचने के लिए कहती है, तो वो इसीलिए ताकि घेंगे नाम की बीमारी से मुक्ति मिल सके समाज को, और इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो ये कवकों से प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक कवक होता है जिससे पेनिसिलिन प्राप्त होती है। एनीवे, बहुत सी और ऐसी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियाँ हैं जो कवकों से प्राप्त की जा सकती हैं और की भी जाती है। अगला सवाल देखिए, 90 नंबर, विटामिन ए की कमी में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न कहता है, बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बी वन या थायमिन, थायमिन की कमी से होता है बेरी बेरी, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, पेलाग्रा, जो कि किसकी कमी से होता है? नियोसिन की कमी से होता है, B3 जिसको कहा जाता है, विटामिन B3। अगला 93 नंबर, गुर्दे या किडनी में रक्त में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो ऑब्वियसली वृक्क धमनी, या जिसे हम रीनल आर्टरी भी कहते हैं, उसकी सहायता से ये वृक्क के अंदर आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? तो ये करता है यकृत, और पित्त कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्त की थैली में इकट्ठा होता है, बाइल जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट 95 नंबर, कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये वार्धक्यता, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड बीमारी है इसीलिए ये पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में कम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का तो वहन करता ही है, इसमें कोई शक नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी वहन करता है, हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है इस ढंग से अगर हम बात करें तो, इसके दो ऑप्शन सही हैं। एनीवे, ऑक्सीजन इसका जाना माना आंसर है, ऑप्शन ए तो हम टिक कर ही सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैथ से संबंधित है, देखिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि 6 स्थान जो है वो पॉइंट भागेगा, ठीक है, तो 4 0 बढ़ जाएंगे 8 3 1 के साथ। अगला प्रश्न देखिए, इसका वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, तो ये होगी ऑप्शन ए 35/99, आप डिवाइड करोगे सीधे आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी करना और नहीं है आपको। 99 नंबर, SCF पूछा है, तो SCF होगा 1050, SCF जो बेसिक फार्मूला होता है उसी के हिसाब से आप निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हल करें इसको, तो 36/81 है, यानी कि 6/9 हो जाएगा ये, और 6/9 -1/9, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, 6/9 -1/9, उसको आप सॉल्व करोगे तो 5/9 आंसर आएगा, और 5/9 हमें कहाँ पर मिलता है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या 55 से उतनी बड़ी जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, 55 और 79 के बीच का ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 24, 24 को 2 से डिवाइड करो 12, 12 छोटी वाली संख्या में ऐड कर दो, ये हो जाएगा 67, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले सवालों में हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे, हम ज़्यादा डिटेल बिल्कुल नहीं जाएंगे। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ये होगी 33 और सबसे छोटी होगी 31, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और यहाँ पर 49 आपका आंसर आ जाएगा,
डिटेल में आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा मोस्टली आज शाम तक, जिसमें ये सब चीज़ें डिटेल में बता दी जाएंगी। ठीक है, फिलहाल अपना आंसर आप मैच कर लो। अब देखो इसका 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली गई है, तो 43% लड़के और लड़कियों में से 35% पास होते हैं। फेल होने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, 960, और 960 बनेगा 60%, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये 9 दिन में करता है, बीच 18 दिन में करता है, तो 1/6 यानी कि 6 दिन में करेगा ये दोनों मिलकर के। अगला प्रश्न देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, 200 से 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट लगेगा। सिर्फ गति याद कर लो बस, आप मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, 107। ओके, कौन सी गति अधिकतम है, सबसे तेज है, तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठोस लंबी प्रतिवेलन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, 2112। ये और भी दो बाई 16 घंटे में बढ़ता है 48 में, तो 1/16 + 1/48 यानी 4/48 यानी 1/12, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में विनय की आयु हो जाएगी 25 साल, ऑप्शन सी सही है आपका। एक घड़ी अभी 9 बजा रही है, तो जब वो 3 बजाएगी तो घड़ी की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी, घंटे वाली सुई की बात कर रहा है ये, तो 9 से 9 को जिस ढंग से बजता है, और जब ये वाली सुई इधर चली जाएगी 3 की तरफ, तो ये कितने डिग्री घूम गई, यहाँ से यहाँ आ गई, 180 डिग्री घूम चुकी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 112 नंबर। ओके, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को कोई सीधी रेखा D और E पर क्रमशः काटती है, और यह BC के समानांतर है, तो AE अपॉन AC बराबर होंगे किसके, तो ये बराबर हो जाएंगे आपके AD और AB के, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कैसे होगा वो डिटेल में आप जब वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डिटेल बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे हैं। 113 नंबर, दो रेखीय समीकरणों की एक प्रणाली में दो चर असंगत हैं, यदि उनके ग्राफ किसी भी बिंदु पर परिच्छेद ना करें, एक दूसरे को ना काटें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, 114 नंबर, यदि थीटा इज इक्वल टू 45 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो उसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, 115 नंबर, यदि 6x - this and kx - y = this एक अद्वितीय हल है, तो k = कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, किसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है, या तो 0 बचता है या 1 बचता है, तो ऑप्शन इस ढंग से कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। आप किसी भी वर्ग को 4 से डिवाइड करके खुद प्रैक्टिकल करके देखो इसको। अच्छा, 1500 को 2 गुणनखंडों में कितने संभव तरीकों से विभाजित किया जा सकता है, तो ये होगा 24 हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, n भुजाओं वाले एक चक्रीय बहुभुज पॉलीगन के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 144 डिग्री है, यानी ये कोण का मान दिया हुआ है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ भुजाएं निकाल लो। ठीक है, कैसे निकला, 144 = भुजा निकालने का, सॉरी कोण निकालने का सूत्र क्या है, कोण एंगल (n-2)×180, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी 10, और जब हम 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 36, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, 120 नंबर, (sin²θ - 3sin θ+2)/cos²θ = 1, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा के सारे मान आप रख करके देख लो। साइन 45 के लिए अगर हम बात करें तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और 60 के लिए √3/2, और ऐसे 30 के लिए 1/2, तो 1/2 जैसे आप रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब थीटा मान कितना होगा,
30, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए, दो क्लब ए सॉरी क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए 60 मैच, जो में से 30% जीत लिए, यानी कि 18 जीत लिए हैं और 42 हार चुका है वो। अब क्लब ए को उस सीजन में 40% की सफलता अगर हासिल करनी है, तो जैसे ही वो 15 मैच अगले जीत जाएगा, वो उसका जो सक्सेस रेट है वो 45% हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। अब आगे जो सवाल हैं वो मैथ्स के तो नहीं है, जीएस वगैरह के हैं, ठीक है, तो वो हम दूसरे वीडियो में ले लेते हैं, भाई ये बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में असुविधा होगी। और हाँ, डिटेल में आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा, सारे सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग रीजनिंग एंड मैथ्स। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।